गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। पाजी, हाँ जी, बारिशों का मौसम है, आहा, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आहा, पकौड़े खा रहे हैं, क्या बात, इनकी शादियां हो चुकी हैं, वो इन हाउस एंजॉय कर रहे हैं, इनकी नहीं हुई वो आउटडोर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही बारिश होती है ना, आजकल के लड़के लड़कियां ना फिल्मों को देख के बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के ना बाइक पे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, वो ये भूल जाते हैं कि जो वो फिल्मों में देखते हैं हीरोइन, उनका तो मेकअप जो होता है वाटरप्रूफ होता है, इधर लगा लगा रहता है। हमारे जैसे घर परिवार की लड़कियां बेचारा सस्ता मेकअप थोप लेती हैं, फिर बाइक पे बैठ के जाती ना जैसे ही, तो फिर लिपस्टिक जो है फैल के दांतों पे आ जाती है और काजल सारा लीक होके गालों पे, खुद ही लड़का डर जाता है देख के, हाय मम्मी इसको तो मैं बिठा के नहीं लाया था। अच्छा, शादी से पहले और शादी के बाद बरसात के मायने बदल जाते हैं। हाँ, शादी से पहले लड़का लड़की जो एक ही छोटा सा छाता लेके ना लवी डवी, इंतजार प्यार हुआ इकरार हुआ। अच्छा, वही आदमी जो एक ही छाते के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, शादी के बाद देखना आप प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली लगा के ना लुंगी को 1.5 फीट ऊपर ढा के दूध लेने जा रहा होता है वही आदमी, तब उसको बरसात अच्छी नहीं लगती, ऊपर से चप्पल पहनी वो भी कीचड़ में फंस जाती कभी कभी ना, एक पांव भारी हो जाता है, गालियां देता जाता है, बेड़ा घर कभी होनी थी बारिश। बरसात के मायने बड़े बदल जाते हैं। विदेशों में देख लो आप, बरसात होती है ना लोग सबसे पहले रेनकोट ढूंढते फोन, ऑलवेज रेनकोट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, हमारे लोग मोमबत्ती ढूंढ लो, उनको पता है कि 20 मिनट बारिश हुई ना तो 2 घंटे लाइट जाएगी। अच्छा, मुंबई में तो बरसात होती रहती है, यहाँ के लोगों को आदत है, सबके पास अपना अपना छाता होता है। अच्छा, लड़कियों के पास बड़े अच्छे अच्छे छाते होते हैं मैचिंग, पर्पल येलो पिंक है ना, वो खुलते भी इतना छोटा सा ही होता है, टच करके उतना सा ही कवर करता है जितनी लड़की, बाकी इधर उधर सब बिकता है। अच्छा, वो 3 स्टेप में खुलता है, पहले बटन से क्रिच उड़िच ऐसे वाला जाता है ना, नहीं तो आप पुराने छाते देख लो, इतने ढीढ़ पुराने छाते खुलते नहीं, उसको खोलो ना तो फिर वापस आता है, फिर खोलो 3-4 बार में उंगली भी आ जाती कभी कभी। अच्छा, जब से ये सब सोशल नेटवर्किंग शुरू हुआ ना, मतलब लोगों ने तो हद ही कर दी है, थोड़ी सी बारिश हुई ना लड़कियां सबसे पहले अपने फेसबुक पे फोटो डालती हैं, इट्स ड्रिजलिंग, हैविंग चिल इन मुंबई फर्स्ट रेन। अच्छा, नीचे कमेंट भी बड़े अच्छे अच्छे आते लड़कियों को, काश हम भी आपके साथ होते। अच्छा, कुछ लड़के मेरे जैसे जिनको कोई लेना शक्ल देखना पसंद नहीं करता, कोई खुद ही लाइव आ जाते हैं, वो भी ऐसे डालते ना, बरसात हो रही है रिमझिम रिमझिम, नीचे कमेंट आते हैं साबुन रगड़ के नहा ले। अच्छा, इंसान जब बारिश में भीग जाता है ना, बड़े नाटक होते हैं उसके, घर आएगा पहले तो तौलिए से पहुंचा, फिर ड्रायर से, फिर चाय भी बनवा लेगा, जानवरों को एकदम सही, कुत्ते को देखा आपने भीगे हुए कभी, कोई टेंशन नहीं लेता वो, हुच करके ना 70% पानी निकाल देता है, बाकी 30% दौड़ के सुखा लेता है वो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका। अच्छा, शादी किसी वक्त तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर शादी के वक्त बरसात हो जाए फिर बड़ी चिड़ चढ़ती है, स्पेशली जब लोग खाना खा रहे हैं, आउटडोर मैरिज हो ना, तो लोगों की प्लेट में पानी गिरने लगता है, फिर लोग चपाती पकड़ के ना यूं पानी एक उंगली से रसगुल्ला रोकते हैं, फिर पानी झाड़ के बेचारे औरतें क्या करती, कभी कभी प्लेट ऐसे करके सर ऊपर करके ऐसे टेढ़ा खाने लगती हैं, फिर सडनली उनको पता चलता है जब माथे का सिंदूर फैल के दही बड़े पे गिरता है ना, फिर वो हैरान होती है कि दही बड़ा तो सफेद था, कि लाल कैसे हो गया। अच्छा, बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। अच्छा, पेंट शर्ट तो गीली हो जाए, चलो भाई का पहन लिया, पिताजी का पहन लिया, मेन बात जाके अटकती कच्छे पे। अच्छा, आम आदमी के पास ले दे के दो ही होते हैं, एक तो पहले बारिश की वजह से सूख नहीं रहा है, दूसरा वो पहन के बाहर गया था वो भी गीला हो गया। अब ऐसे में आदमी तौलिया पहन के ना कच्चे को लिटा के प्रेस से सुखाता है। अच्छा, गीले गीले कच्चे प्रेस रखो ना तो एकदम से भाप छोड़ता है वो, फिर आप देखना प्रेस का निशान भी ऐसे तिकोन छप जाता है उस पर पूरा, फिर भी नहीं सूखता, फिर आदमी को जैसे तैसे वही पहनना पड़ता है, फिर उसको कहीं कहीं से गर्म कहीं कहीं से ठंडा लगता है। ये अपना दिनेश है ना, इसके पास दो ही हैं, तो दोनों कहीं गीले हो ना, तो इसने एक इलास्टिक रखी हुई है, उसको ऊपर से ऐसे पहन लेता है, थोड़ी थोड़ी दिखती रहती है ना, कहता लोगों को लगना चाहिए कुछ पहना है, बाकी अंदर का किसको पता है। अच्छा, कुछ लोग बारिश बड़ी इंजॉय करते हैं, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा बारिश किन को अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, और जो भी आप अपने विचार रखना चाहें। जी भाई साहब, हम लोग दुबई से स्पेशल आपका शो देखने आए हैं। अच्छा जी, मैं और मेरी डॉटर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मम्मी को लेके आए पापा? नहीं, मम्मी को नहीं लेके आए। क्यों? वो अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके साथ है। अच्छा अच्छा, ओके चलिए। अच्छा, मैं पिछले 12 साल से दुबई में ही सेटल हूँ। अच्छा जी, तो वहाँ
मुश्किल से एक या दो दिन साल में बारिश आती है। अच्छा जी। जैसे ईद आने के लिए चांद का इंतजार करना पड़ता है, वहाँ बारिश का इंतजार करना पड़ता अच्छा। है। अच्छा। तो जिस दिन बारिश आ जाए मतलब फेस्टिवल हो गया अपना। अच्छा, फिर क्या करते हैं दुबई में आप? तो दुबई में मैं सर्विस करता हूँ, तो उस दिन ऑफिस की भी छुट्टी हो जाती है और फिर शाम को मस्त घर पे जाके गर्मा गर्म पकौड़े बालकनी में बैठ के खाओ, मजा ही अलग है उसका। तो दुबई में भी पकौड़े खाते हैं आप? हाँ जी। मुझे लगा दुबई में कुछ अलग चीज बनती होगी। नहीं नहीं, पकौड़े ही बनते उधर भी। पर सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, बारिश में पकौड़े क्यों खाते वैसे? बारिश गिरा गीले गीले गरम गरम पकौड़े, गीले गीले गरम गरम पकौड़े। बाहर गीला गीला ठंडा ठंडा, अंदर गरम गरम। काफी स्वाद लेते हैं आप लाइफ के हैं। बाहर गीला गीला अंदर गरम गरम, अच्छी बात है। गरम कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छी बात। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में आए, बहुत थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। अच्छा, टाई बड़ी लगा के आए आप, एडवोकेट हैं आप? नो सर। हाँ जी, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी। तो सर अपना जैसा बारिश तो इसी वजह से बिल्कुल पसंद नहीं है। किस वजह से? दिन भर घूमना रहता है, 10 लोग 12 लोग से मिलना रहता है जी। ये जब बारिश होती है तो पानी यहाँ से गिरता है, भले रेनकोट पहने रहो, यहाँ से भीगते भीगते कहाँ तक नीचे तक चला जाता है पानी। हाँ। कुछ पता नहीं चलता। फिर जब किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पता नहीं ध्यान वहाँ लगाए उसको कुछ बताए या ध्यान यहाँ लगाए किसको एडजस्ट करे। ये तो है। फिर दस बारिश में आपका सीजन भी तो बढ़ जाता है ना, बारिश में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़े बीमार भी हो जाते हैं मौसम बदलने की वजह से, तो दवाइयाँ ज्यादा तो बिकती होंगी वैसे? नहीं, दवाइयाँ तो ज्यादा बिकती, इसलिए तो ज्यादा काम करना पड़ता है ना सर। अच्छा जी। अभी आज डायरेक्ट काम करके यहीं पे आ रहे, अभी तक घर भी नहीं गए। अच्छा, शादीशुदा हैं आप? नहीं सर। तो फिर क्या करना घर जाके बारिश में? बैठो इधर एंजॉय करो। नहीं, शादी तो करनी नहीं ना। क्यों नहीं करनी सर? ऐसे क्यों? ना बारिश पसंद ना शादी पसंद। क्या ऐसा रीजन है, क्यों आप शादी से नाराज हो गए वैसे? करना चाहता था सर। तो फिर बस। अरे जला हुआ बंदा, जला आज बता दो फिर, आज दिल खोल दो आज। जला फुका, क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ? दिल सर जिससे करना चाहता था नहीं मिली, उसे कोई और मिल गया, तो इसमें बारिश का क्या कसूर है? नहीं, पर दुनिया में एक ही थोड़ी ना लड़की, और भी तो बनी होगी आपके लिए कोई ना कोई। होती है फीलिंग्स, होती है, नहीं मिलती है सर। फीलिंग्स होती है ना? होती है सर। दिल आ गया तो आ गया। नहीं वो तो ठीक है, पर ऐसे थोड़ी ना कि सारी उम्र निकल जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, मन में पसंद आएगी। है ना सर, फैमिली है, भैया है, भाभी है। नहीं, भैया के पास तो अपनी भाभी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टप्पू, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी फोटो पे 3 लाइक्स आ गए। अरे नहीं यार, वो सुबह से ना छत पे कौवा काऊ काऊ कर रहा है। तो कौवा काऊ काऊ करेगा और हमा हमा करेगा कौवा? एक कुछ भी बोलती तू। अरे नहीं, कौवा जब काऊ काऊ करता है इसका मतलब कि किसी चाहने वाले से मुलाकात होने वाली है। हो सकता है वही कौवा तुम्हारा चाहने वाला हो। अरे नहीं, जब कौवा काऊ काऊ करता है मतलब कोई मेहमान आने वाला है। अरे वो मेहमानों को साइन दे रहा होगा, इनके घर में मत आना, इनके कुछ नहीं मिलता है। जाओ यार कपू, आज के बाद ना मैं तुमसे मुखातिब नहीं होंगी। क्या नहीं होगी? तुम्हें मुखातिब नहीं पता? कल उर्दू वाले शायर आए थे ना राहत इंदौरी साहब, इसने पक्का उनकी डायरी चुराई है, उर्दू चोर कहीं की। मुझे लगता है कि कौवे से ज्यादा काऊ काऊ तो तुम कर रहे हो। और वैसे भी मैं खुशखबरी देने आई थी, और ये शगुन माना जाता है कि जब कौवा काऊ काऊ करता है मतलब कोई आने वाला है। तो तू मिलती रहे, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करने आ गई? कौवा काऊ काऊ कर रहा है, चल मैंने नहीं आना। अरे तुम जागा ना, रुको। अरे मुझे नहीं मिलना किससे।
सुपर डांसर वाला शो आएगा आप भारती तेरे से पहले ये शो जानदार था आज शानदार और वजनदार हो गया है आप कौन मुझे नहीं बचाना आप किसी ने नहीं बचाना क्योंकि जब मैं डांस करते आ रही थी ना सबने कहा होगा आलिया भट्ट कहां से आ गई मैं पता नहीं मतलब क्यों मैं इतनी क्यूट हूं मुझे नहीं बचाना हाय नहीं इतनी भी कोई जोर से नहीं बजी केतली आए बड़ी जोर से चुभी जाए कह रहे एक मिनट मेरे को नहीं बचाना नहीं तेरी माँ दी कजन हूं मैं करोल बाग न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन ओके केजरीवाल आज इतनी सी थी पैदा हुई थी मोबाइल से 2 इंच छोटी पाजी सच्ची कहूं दिल पे हाथ रख के कहती हूं उम्मीद ही नहीं सी कि लड़की घुटनों से ऊपर जाएगी एक मिनट न्यू फोन हाँ निम्मो हाँ हाँ बम्बे आई है नहीं नहीं तू पीछे से कान संभालना करोल बाग वाला रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए हाँ तो मॉडल लड़की चाहिए मर जाने को तो रुचि की फोटो भेज दे हाँ हाँ जो सभ्याचारक ग्रुप में आगे नाचती है हाँ कोई बात नहीं लड़की शादीशुदा तो क्या हुआ फेरों में चेंज कर देंगे हाँ हाँ होटल वाले भी तो वैरायटी चेंज कर देते फलूदा क्या क्या फ्रूट क्रीम दे देते हैं चल ठीक है मर पर जा गया मर जा तू रख मर्चा बोल पे क्या कह रही थी आप लोगों को ऐसी धोखा दी थी शर्म नहीं आती आपको देख बेटा अगर तेरे रिश्ते की बात हो रही हो और मैं बोल दूं लड़की 4 फुटिया है होंठ फैले हुए है आड़ू जैसा मुंह है हाँ आंटी जी ओके बस ठीक है क्या कहा तूने अभी बेटा आंटी जी ओके अच्छा लाल मिर्च कैसी लगती तेरे को बता तीखी पता तीखी तीखी वैसे ही आंटी वर्ड ना मेरे को तीखा लगता है क्या पुकारूं आपको छुटकी गुड़िया बेबी लाडो दीदी चल ठीक है दीदी आपने अपना नाम नहीं बताया बबली अच्छा ठीक है और वैसे भी जो भी है आपको मेरे रिश्ते की फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ऑलरेडी देख लिया है मैं आपसे मिलवा देती हूँ कप्पू कुल्फी वाला कोई कप्पू कौन है नहीं मैं उसे प्यार से कप्पू बुलाती हूँ कप्पू कप्पू क्या क्या है ये कौन है वाटर कूलर कपड़े पहन के घूम रहा है ये मेरी माँ कप्पू ओह माय गॉड एक मिनट मैं इस शो की बहुत बड़ी फैन हूँ पाजी ये बंदे के कारण मेरा पेट साफ होता है आपको पता ये शो मैं देखती हूँ 9 बजे फिर रात 1:30 बजे फिर 4:30 बजे उसके बाद पेट खाली करके सोती हूँ एक मिनट कपल जी एक सेल्फी ले लूँ बुरा तो नहीं मानेंगे आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कसम खाओ हाँ बिल्कुल आए ओए चिलिंग विद कपिल शर्मा शो कपिल इज बिगेस्ट फैन मेरा कौन कह रहे कि मैं नहीं कर रही जे शो कर रही हूं ट्वीट एक मिनट पाजी ओ कि ना आप बोलते ना वो सफाई ध्यान रखा है सारिया ऐडा एक साथ कर देता ये बंदा एक बार दोबारा बोल दो जरा गुड इवनिंग एक मिनट मैं वीडियो बनाती हूँ हाँ अभी बोलो पाजी हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो दोबारा बोलूं हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो ट्रेन तो बाजी मुझे पहले वाला भी ठीक नहीं लगा था अब मुझे फोन दे दो वो तो मेहमानों को देते हैं हम तो पाजी मैं कौन सा आपको इडली देने आई थी गेस्ट हूँ मैं भी दो ना पाजी आप फोन का क्या करेंगी पाजी
आपको मिलता है फ्री, मैं बाहर जाके 10,000 का बेचूंगी, 100 रुपए आपको दूंगी, आपका भी पान का खर्चा निकल आऊंगा। पाजी फोन, पाजी फोन दे। ये कौन है ये गुरिल्ले जैसी? हमने तो आज तक सिद्धू जी को भी फोन नहीं दिया। क्यों पाजी, उनको फोन क्यों नहीं दिया? क्यों मतलब, हम मेहमान थोड़ी वो। खैर चलो छोड़ो, नहीं देना फोन, कंजूस एक नंबर का। पाजी प्लीज, पाजी कुछ चुभेगा तो नहीं ना? वो सब तो ठीक है, ये है कौन ये? बेटा ये कबू तुम इधर आओ। ये मेरे रिश्ते की बात कर रही थी तो मैंने इनसे कह दिया कि मैंने ऑलरेडी लड़का डिसाइड कर लिया कि ये है लड़का, देखो। पाजी लड़का तो देखते सारे मैंने टेस्ट कर लिया, पेट भर गया, वाह कमाल का लड़का है। कप्पू सिद्धू जी, हाँ जी, आपने पहचाना मुझे? पहचाना? तुमने पहचाना? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा है। बेटा तुमने तो कभी बादाम भी नहीं देखे हाँ? पाजी इतनी सी होती थी, पाटी फ्राक पाई हुई, नाक वगदा होना पाजी इसका। हमारे घर में गेस्ट आने, इसने ऐसे मुठिया भर लेनी बादामों की, एक बार तो पाजी मुंह में बादाम भर के कर दी। मैंने कहा बेटा बोलो कर दी। मैंने कहा क्या हुआ करती? मुझे लगा इसकी दाढ़ दुखती होगी। पाजी खांसी आई, फुर्र करके बादाम उधर पकड़ी गई। अभी भी नहीं पहचाना? याद कर जब 1 रुपए का सिक्का निकल गई थी हाँ, कितने मुक्के खाए थे मैंने इसके बाप को, ऐसी सुनाई ना पाजी, फिर कहा उसने 50 पैसे दिए, बात रफा दफा की। अभी भी नहीं पहचाना? जब मैं लॉलीपॉप चूस रही थी मैंने ऐसे कूड़े में फेंक दिया पाजी, बिल्ली से ज्यादा लंबी छलांग मार के कूड़े से लॉलीपॉप निकाल लिया। अभी भी नहीं पहचाना? पहचान गई मैं दीदी, पहचान गई। तेरे ऐसे रिश्तेदार आते ना तो मेरे को पहले बता दिया कर, ताकि हम कहीं दूर चले जाएं। दूर चले जाएं खिड़कियों से देखे, पाजी मैं हुई इतनी हॉट। कप्पू मुझे अकेला छोड़ के मत जा कप्पू। हाँ तुम बरात ले जाओ उसके साथ, कप्पू पप्पू हट इधर। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो शेरी। शेरी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब करोल बाग में रैली में आए थे फर्स्ट टाइम, मैंने हाथ मिलाने के लिए गाड़ी में अंदर हाथ किया और शीशा चढ़ा लिया। नोएडा तक ऐसे ऐसे पीछे भाग के गई थी मैं इनके। क्योंकि बंदा प्यार बहुत करता, अगर नहीं करता तो शीशा खोल देता। तो आप सच में पाजी को जानती है पहले से? बेटा पाजी तो अर्ग हो गए, मेरे तो बाबू है। शेरी एक्चुअली इन्होंने मेरे कारण ही सरकार ज्वाइन की है। हा? मैंने इनको एक बार कहा था शेरी, इन्होंने यही वाली पार्टी ज्वाइन कर ली। ओह माय गॉड, हेलो हेलो, हाँ निमो एक लड़का और चाहिए, एक मिनट। गिटार वाले क्या नाम है तुम्हारा? दिनेश। दिनेश हाउ ओल्ड? हाँ हाँ निमो लड़का है, दीनू नाम है उसका। एक मिनट, कितना कमाते हो? 40,000। 4 लाख? अरे 40,000? हाँ हाँ 4 लाख। अरे मासी 40,000? नहीं नहीं ट्रेन में उन्होंने मंगती बोल रही है। हाँ या, या। नहीं नहीं इधर बॉम्बे में बड़ा रिलेशन बनाते हैं, मालिक लोग को ऐसे मासी मासी बोल देते हैं। हाँ नहीं नहीं हैंडसम है लड़का। हाँ चल ठीक है मैं देखती हूँ। आप ऐसे कैसे झूठ बोली थी, आपको शर्म नहीं आ रही? बेटा टॉयलेट और धंधे में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए पाजी, जहाँ आ जाए कर दो। आप कौन हैं? मेरे को नहीं पहचाना? नहीं बेटा मैं वो जिसे तुम आज तक नहीं मिले। अच्छा चंदू ये मेरी दूर की दीदी हैं। अच्छा क्या नाम है इनका? बबली। बबली ये तो मेरे को कोई बुलबुला लग रही है। ये दूर की बबली है तो ऐसी हैं, पास की होती तो ऐसी की तैसी होती। उए, 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 उए। बेटा इधर आ। हाँ जी। उए, उए, उए। ऐसे कर। एक बात बताऊँ? मेरी बात क्या नाम था तुम्हारा? चंदू।
वाह बेटा तुम इतने प्यारे हो, तुमको पता तुम्हारी तारीफ होगी। कैसे? जब 110 किलो का पहाड़ तुम्हारी पीठ पे पड़ेगा ना, फिर लोग कहेंगे वाह चंदू कितना अच्छा आदमी था जो 110 किलो का वेट लेके भी 3 मिनट जिंदा रहा। कैसे दीदी ये चंदू चाय वाला है। लेकिन एक बात बोलूं बेटा, जैसा मर्जी है तू, तेरी शादी हो गई है? शादी के नाम पर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो दूर हो गई है। लेकिन हाँ जी, अब मोहल्ले में बबली आ गई है, तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगा दूंगी मैं। रिश्तों की लाइन रहने तो, बस इसको थोड़ा लाइन पे ले आओ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी अच्छी लगने लगी है। हाँ, और मुझे भी ना थोड़ी थोड़ी पुलिस को बुलाने की आदत हो गई है। या है पाजी, मेरी फीलिंग्स हैं जीएसटी जो इसको समझ नहीं आ रहा। ए, बबली तुम कुछ करो ना प्लीज। ओए, एक मिनट, तालियों में सुना ही मैंने क्या कहा? बबली इधर आओ बतख। क्या बबली? तालियां। हाँ। दिन में 2-3 बार मेरे को चाय मिलेगी। हाँ। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तेरे को मिलेगी। बस ठीक है, फिर आज के बाद आपकी रगों में खून नहीं, मेरी चाय दौड़ेगी। मैं जाकर चाय की तैयारी करता हूँ। सरला तुम जाकर विदाई की तैयारी करो। विदाई होगी लेकिन मेरी नहीं, तेरी चंदू, इस सोसाइटी से। बबली क्या कह रही है? अरे ना बेटा, जैसा तेरा मुंह, तेरे को कोई गुड़ ना ऑफर करे तो फिर भी खीर जैसा लड़का है। सुन लिया, मैं चाय की तैयारी करता हूँ। जा बेटा। अभी आया, अभी रुको। ये क्या है? ये जनरेटर को कपड़े किसने पहना दिए? क्या है क्या ये? तुमसे छोटे तो हाथी होते हैं। एक मिनट, आप लोग लड़िए मत, आप लोग लड़िए मत। दीदी ये बम्पर है हमारे हॉस्पिटल में नर्स, और ये दीदी है नर्स। आई तो मुझे लगा ड्रम है। ये क्या है, क्या ये चीजें करती क्या है? करोल बाग में रिश्ते करवाती हूँ। लेकिन आप रिश्ते कराती है तो इसके मम्मी पापा को कोई अच्छा सा रिश्ता करवाती ना, कम से कम रिजल्ट तो अच्छा आता। एक मिनट, एक मिनट करने दे। ऐसे क्यों बोला हाँ कि रिजल्ट तो अच्छा? चलो कोई बात नहीं, अगर आप रिश्ते कराती है ना तो मेरा भी एक अच्छा सा रिश्ता करवा दीजिए। चलिए। मैंने देख लिया, आते ही मैंने मैसेज किया तुम्हारे लिए, अच्छा सा सेहतमंद ना पेंगुइन देखा मैंने। मजा आएगा, वहां से तुम आओगी जयमाला लेके छोटी इलाके, इधर से पेंगुइन। सो फनी वुमन। मैंने ना आपके लिए एक अच्छा सा ऑटो देखा है, आप जाएंगी या उसके नीचे आएंगी? सरला, इतनी दूर से तुम्हारी मौसी पहली बार आई, इनको बाहर लेके जाओ, इनको किसी ट्रक के नीचे दो, इधर क्यों खड़े हो? नहीं गर्मी में तो ना कोई चाय पानी, हट इधर। कपू उधर देखो सामने, कैसे रहना कोई कोनी, थोड़ी ऐसे करो, ये खुरको हो रही थी। हट, चलो चलो फटाफट अंदर निकलो, हमारे मेहमान आ रहे हैं, चलो लेके जाओ इनको अंदर। चलो चलो हो गया, निकलो। एक मिनट सरला, ऐसे लड़के करोल बाग में होना पाजी, मैं 10-15 वाली शादी करवा दूं। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे करनी है ऐसे शादी। क्यों क्यों उसकी लाइफ खराब करूं मैं? वाह, बात बताइए, आप इतना लंबा लंबा छोड़ती है, हमारी सोसाइटी क्यों नहीं छोड़ देती? How funny यार, इतनी बारी किया हमको दिया नहीं, अकेली खा गई। चल ठीक है, जाती हूँ मैं। सरला तुझे मटर वाले चावल पसंद है? हाँ। खीर पसंद है? जा तू भी क्या याद रखेगी, आज तेरे को मौका देती हूँ मैं, पनाह मेरे लिए। चल मारे, किधर जाना है? चलिए चलिए माचा तो चल चल आई पड़ी। पाजी हमारे यहाँ हर फील्ड से दिग्गज लोग आते हैं, कभी फिल्म स्टार्स आते हैं, कभी पॉलिटिशियंस आते हैं, कभी स्पोर्ट्समैन आते हैं, लेकिन आज जो मेहमान आ रहे हैं उनको देख के आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो आप ही की फील्ड से हैं। अच्छा, अब आप बैठे सोचते रहो कि मेरी तो बड़ी सारी फील्ड है, कौन सी फील्ड से आ रहे हैं? आज जो मेहमान हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा क्रिकेट की दुनिया के दो जबरदस्त ऑलराउंडर्स,
प्लीज वेलकम मिस्टर यूसुफ पठान एंड इरफान पठान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी भाई। दोनों धाकड़ दोनों जाबाज हैं, एक स्विंग का मास्टर और एक सुपर हिटर बल्लेबाज है। लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाता है यूसुफ और इरफान का पहला ओवर जीत का आगाज। वाह बात है। दोनों भाई मतलब क्रिकेट में भी साथ साथ आए, दादियां भी आगे पीछे हुई, पापा भी आगे पीछे बन गए, अभी कैसा फील करते हैं आप? मैं नया पापा बनाऊं जी तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। वो कौन सा 40 साल पहले बना थे नया पापा? ये बहुत ये जब कहते लोग ना जब आप पापा बनते हो तो आपको पता चलेगा क्या खुशी है ये जी। तो वाकई में ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बड़ी जबरदस्त फीलिंग है। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पारी दुनिया कैप पहनती है, पठान बंधुओं ने कैप खोली है और ये ऐसी कैप है जिससे ये क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। सर आप बताएंगे कि किस तरह से क्रिकेट को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए कैप अकेडमीज जहाँ पे हम लोग कई ड्राइवर्स बच्चों को भी हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं। okay. जो हमारे आर्मी के जो जवान है जम्मू कश्मीर में जी. उनके जो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे उनको भी हम लोग जो हमारी अकेडमी है नोएडा में वहाँ पे हम लोग बच्चों को क्रिकेट सिखाएंगे। okay. तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये है कि हमने क्रिकेट खेला है, आगे जाके जो आने वाले बच्चे वो अच्छा क्रिकेट खेले और अच्छी फैसिलिटीज मिले। जो टेक्नोलॉजी जो पिच विजन की जो टेक्नोलॉजी है जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका और दुबई की जो अकेडमी है इंटरनेशनल अकेडमी वो जो इस्तेमाल कर रही है टेक्नोलॉजी वो हम हमारी अकेडमी में इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को रियल टाइम फीडबैक मिले कंप्यूटर के जरिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। अच्छा एक चीज तो इरफान ने बहुत सही कही कि अभी टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई, इक्विपमेंट्स नए नए आ गए हैं। जैसे हम देखते थे सनी पाजी को देखते थे वो तो हेलमेट भी नहीं पहनते थे ना, अब तो खैर बड़ी सारी चीजें आ गई हैं, ये कोहनी पे पैड लगा लो, घुटनों पे लगा लो, गार्ड आ गया है। पहले तो बड़ा मुश्किल होता था पाजी। क्यों नहीं पहले इतनी सारी चीजें कहाँ होती थी, बॉल कहीं पे भी लग सकती थी तब होता ही था, अब तो खैर। अच्छा पुरानी बातें याद नहीं करनी। हाँ पुरानी बातें याद नहीं करनी। चेंज द टॉपिक यूसुफ भाई, आप भी कुछ बोलिए, कुछ भी ऐसे ही दिल कर रहा है आपकी आवाज सुनने को। वक्त आने पे बोलूंगा, वक्त तुम इंतजार करो। वक्त कब आएगा इतना ही बता दीजिए। यूसुफ भाई बहुत शाय, बहुत कम बोलते हैं। अच्छा 125 करोड़ की आबादी में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाना 11 प्लेयरों में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। और पठान भाइयों ने एक ही घर में दोनों भाई सिलेक्ट हो गए। आपने बोर्ड को ऑफर दिया था कि ठीक ठीक लगा लो दोनों खेलेंगे? नहीं देखिए नसीब की बात होती है जी। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे अपने मुल्क में, बहुत बच्चे, बहुत अकेडमीज है, बहुत ज्यादा बहुत बच्चे खेलते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो रह गए और हमारे माँ बाप की दुआ है। बहुत सारे आप जैसे लोग हैं जो दुआएं करते, जो बहुत सारे फैंस हैं वो अभी भी दुआएं करते कि हम लोग आए और कमबैक करें और इंशाल्लाह अगर दुआएं रहेगी और तो जरूर कमबैक करेंगे। जरूर, जरूर करेंगे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा जब दो भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ज्यादातर ऐसे ही होता है, अगर अच्छा काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांट देता है। टीम में कभी ऐसा हुआ कि इरफान ने प्रैक्टिस नहीं सही तरीके से की, आपको शिकायत करते थे कोई? वेल ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि भाई इरफान को बोलो यार इतनी बॉलिंग करता है, इतना रनिंग करता है, इतना वेट ट्रेनिंग करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, उसको बोलो थोड़ा कम ट्रेनिंग करे, लिमिट में करे। तो अच्छी चीजें सुनने को मिलती थी। और ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आंखें बड़ी नशीली हैं? मतलब मैंने देखा अभी भी जब आपने एंट्री मारी, दोनों भाइयों ने शादियां हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी लड़कियां अच्छा तो लगता है अंदर। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? शादी से पहले सब गायब हो गई थी। अच्छा एक दूसरे की शिकायत ना सुनने को मिले, यही कारण तो नहीं है कि आप आईपीएल में अलग अलग टीम से खेलते हो? उनको नहीं आपने ऑफर दिया कि ठीक ठीक लगा लो दोनों एक ही टीम में खेल लेंगे? मैं तो बहुत बरसों से दुआ कर रहा हूँ कि हम लोग अगर दो भाई एक साथ खेले तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट हो जाता है। अच्छा बड़ा धर्म संकट है ना, अगर आपने कैच छोड़ दिया तो टीम वाले बोलेंगे भाई का कैच जानबूझ के छोड़ दिया, और अगर पकड़ लिया तो भाई जाके बोलेगा तूने क्या किया भाई? बिल्कुल भाई ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। काफी अच्छे कैचेस पकड़े और मैंने इसको अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मुझे याद है दिल्ली के सामने रायपुर रहते, रायपुर में। अच्छा
ये शॉर्ट फाइन लेग पे खड़ा हुआ था और स्क्वायर लेग पे जाके भाग के कैच पकड़ के आया और बाजू वाले ऐसे ही देख रहा था कि भाई पकड़ ले तू पकड़ ले। नहीं मतलब बड़ा मुश्किल कैच होता है ना, बाजू वाला कहता है यार, मन में ही कहता है कि यार तू ही पकड़ ले। तो भाई ने तो कंप्लेन नहीं की लेकिन बहन ने बहुत कंप्लेन की है। अच्छा, कि आपने क्यों कैच पकड़ा, वैसे करके डांटा बहुत। बहन के लिए दोनों भाई एक जैसे ना, सो स्वीट। आपको पता है यूसुफ भाई ने इतने चौके छक्के मारे हैं एक आईपीएल मैच में, 37 गेंदों में उन्होंने सेंचुरी मारी थी और 11 गेंदों में लगातार मेरे ख्याल से 5 छक्के और 6 चौके मारे थे आपने। भूल जाते हैं आदमी इतने चौके छक्के मारे। मुझे याद है ना, बड़ी खतरनाक पारी खेली थी आपने। अच्छा मैं याद है कि वो ब्रैबोर्न स्टेडियम पे मैच हुआ था मुंबई के अगेंस्ट में और 215 या 213 रन कुछ चेस कर रहे थे, बाकी कितने बॉल में इतना याद है कि हाँ 11 बॉल में ऐसा कुछ हुआ था जी। बहुत बंदा कैसा यार, खुद ही भूल जाते करके। यूसुफ भाई आपको चौके छक्के तो याद ही रहते, लेकिन मैंने सुना आपके फार्म हाउस के ऊपर तोते, बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, ये सब कुछ है, ये सही है? एक्चुअली ज्यादा वक्त उनके साथ ही गुजारता हूँ। अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होता, यानी प्रैक्टिस हो गया और ट्रेनिंग हो गया होता है मेरा, और जो फ्री टाइम होता है तो अभी तो बच्चों के साथ भी खेलते रहता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा मन होता है तब मैं एनिमल्स के साथ ही होता हूँ। क्या क्या एनिमल्स है तुम्हारे पास? मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, 7-8 घोड़े हैं, एक्जोटिक बर्ड्स है, 300 मकाऊ, 300 छोटे बर्ड्स है जो लव बर्ड्स बोलते हैं, बजरीगर्स बोलते हैं। तो ऐसा बोलो ना, जू है हमारे पास। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर कौन सा होता है यूसुफ भाई, आपको तो सारे पता होंगे। एक्चुअली जानवर सारे फ्रेंडली होते हैं इंसानों से, मेरे ख्याल से। बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने, थोड़ा बात सही है, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। मैं अगर नाराज है तो एक दूसरे को यानी मना लेते हैं, यही फर्क है इंसानों में। यार दिल पे नहीं लेते, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, सही वक्त पे। आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा बोलता है यार, अभी पहले बोला कि आप बोलते नहीं हो, आप बोलोगे बहुत ज्यादा बोलता है। आपको पता भाजी, यूसुफ और इरफान ना बचपन में ऐसे जुराब के अंदर बॉल डाल के ना उसको नाड़े से बांध के ऐसे लटका देते थे और फिर बैटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा आपकी तो चलो प्रैक्टिस हो जाती थी, उनका क्या होता था जिनका नाड़ा निकाल के ला के बांध के लटका? पर ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा नाड़े तो मैंने बेचे भी है मेरी। हाँ, मैं सुना है कि नाड़े बेचे भी हैं। पहली जो मेरी रोजी थी जो 2 रुपए कमाए थे मैंने, अच्छा वो मंगल बाजार में, मेरा एक दोस्त यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, वही मंगल बाजार में हमारे यहाँ एक स्टोर है, मतलब वहाँ पे मार्केट है। अच्छा, लोकल मार्केट, तो वहाँ पे उसका स्टोर होता था, तो उसकी स्टोर के पास उसके साथ खड़े होके मैंने नाड़े बेचे। अच्छा, और मुझे 2 रुपए मिले थे पहले। खाली नाड़े कौन खरीदता साथ में, पजामा नहीं? नहीं नहीं, कई लोग हमारे जैसे भी होते हैं ना जो बॉल लटकाने के लिए खड़े रहते हैं। अच्छा हाँ, तो ये जाके नॉकिंग कर सकते हैं, उसको नॉकिंग करना कहते हैं, हैंगिंग बॉल। पर बड़ा प्राउड फील होता है यार, आप इतना स्ट्रगल करके नाड़ा बेच और नाड़ा बेच के आज आप नामी गिरामी क्रिकेटर हैं। तो भाई साहब इन्होंने भी नाड़े बेचे? इन्होंने तो लोगों को बेच दिया है। कैसे हैं ब्रदर आप? बस बढ़िया है कपिल जी। क्या करते हैं सर अभी आप? मैं अभी कॉस्मेटिक का धंधा कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी राखी की सीजन आएगी तो राखी का करूंगा। राखी का सीजन आएगा तो राखी का राखी करेगा। क्या करेगा राखी भाई? रक्षाबंधन आएगी नहीं, 7 अगस्त को रक्षाबंधन है। अच्छा, तो अभी 5 अगस्त से मैं राखी का धंधा चालू करूंगा। नहीं कभी कभी ना ऐसा होता है, मतलब ऐसे कहना, ये तो खैर प्यार का त्योहार है, पर कभी कभी होता है जैसे हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बहन को तोहफा देता है, पर कहीं ना बहनें बड़ी कैलकुलेटिव होती हैं राखी वाले दिन ना। जैसे मान लो उन्होंने 100 रुपए की राखी ली, 200 रुपए का डिब्बा, पूरा हिसाब किताब लगा के, अब भाई को राखी बांध के आती है ना, भाई ने दे दिया मान लो 100 रुपया, तो वो साथ में रिक्शा पे बैठी है, साथ साथ में हिसाब लगाती रहती है, रिक्शा हिल रहा है, 100 रुपए की ली राखी, 250 का लड्डू, 350, 150 मेरा किराया लग गया, 500 भाई ने दिए, 100 मेरे को क्या बचा? उन्होंने उस हिसाब से धंधा बोल दिया। अच्छा भाजी, क्रिकेट के जो फैन होते हैं ऑटोग्राफ लेते हैं या तो स्टंप पे ले लेते हैं या बैट पे ले लेते हैं या बॉल पे ले लेते हैं, कभी किसी फैन ने अतरंगी सी जगह पे आपको ऑटोग्राफ मांगा है कि यार मेरे? कई बार होता है ना लोग करेंसी दे देते हैं कई बार। अभी नहीं बोल सकता मैं, बोला है बता नहीं सकता, पर बोला ऐसा अतरंगी जगह पे यार, बता ही दे यार। नहीं नहीं, वो कहीं भी मतलब हाथ पे मांग सकते हैं ना ऑटोग्राफ, हाथ पे मांगते, शोल्डर पे मांगते, ऑटोग्राफ ऐसा रिक्वेस्ट आती रहती है यार। मतलब उसको पूछ रहे हो ऑटोग्राफ का, तुम अपना बताओ ना कि क्या क्या सीन क्या है, ये ऑटोग्राफ आपको याद क्यों आया आपको?
आपको किसी ने आपको पूछा होगा लगता है, अभी आते आते किसी ने पूछा होगा और कहीं दिया भी होगा। और मुझसे गलती होगी, आज मैंने यूसुफ भाई को बोल दिया, बोलते नहीं हूँ आज, तो पता नहीं क्या खा के आए, यही बोलते जा रहे हैं आज फॉर्म में है भाई, आज यूसुफ भाई फॉर्म में है पूरे। लेटर आते थे तो मेरे लिए ना थोड़े फैंस वगैरह के जो मोहब्बत करते थे उनका लेटर आते थे, लेकिन एक दिन मेरी माँ बहुत खुश होकर आई मेरे पास भागते हुए। अच्छा। मुझे बुलाया, मेरे भाई को बुलाया, सबको, घर में जितने भी लोग थे सारे सबको एक इकट्ठा कराई जगह पे, बोले आज मेरे बड़े बेटे के लिए लेटर आया है। अच्छा। तो भाई का पहला लव लेटर था किसी फैन ने लेटर। मुझे वो लेटर नहीं मिला कभी। ओ अम्मी ने अभी तक संभाल के रखा हो। अब मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं, ये वो शख्सियत हैं जिनकी बदौलत हमारे भारत को ऐसे दो महान क्रिकेटर मिले, तो स्वागत कीजिए इरफान और यूसुफ के वालिद साहब, मिस्टर महमूद पठान साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठो, बीच में बैठो, बीच में बैठो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। महमूद सर, सबसे पहले तो आपको, आपने दोनों चिराग जो हैं इनके लिए ढेर सारी मुबारकबाद, देश का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है। मस्जिद में खिदमत करते थे उसकी, जी, मस्जिद की दुआ से दो बच्चे देश के लिए खेलने लगे, इंडिया के लिए। जी, पिता के मन में एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊं, और एक कहीं ना कहीं एक छोटी सी ये भी होती है कि चलो एक सरकारी नौकरी लग जाए। आपको यूसुफ और इरफान से क्या उम्मीदें थी जब ये बच्चे थे? कि उम्मीदें तो बहुत थी कि पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जी। वो डॉक्टर बने या वकील बने, ऐसे ऐसे बहुत सी उम्मीदें थी। जी। पर इरफान को क्रिकेट का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो मैंने उम्मीद है दोनों शौकीन थे, मस्जिद की जो गली है जी वहाँ प्रैक्टिस करते थे दोनों भाई। अच्छा जी। फिर इनको एकेडमी में दाखिल किया, जब 20 रुपये फी थी। अच्छा। फिर साइकिल पे जब ड्यूटी पे जाऊँ तो दोनों को आगे पीछे बिठाऊँ, ग्राउंड पे छोड़ दूँ, फिर मैं देखूँ आगे, भाई ये तो धूप कितनी है, कोई लड़का तो दिखता नहीं है, तुम क्या करोगे? तो ये इरफान बोले हम दोनों भाई खेलेंगे। क्या बात। इस तरह इन लोगों ने स्ट्रगल किया। क्या बात। तो सिर्फ इरफान और यूसुफ ने ही मेहनत नहीं की, अगर आप उनके पीछे की, उनके अब्बा जान की मेहनत देखें तो ऊपर वाला रंग लाता है, वो आपको फल मिलता है, और आज आपको एक यू आर ए प्राउड फादर। अच्छा, बचपन में जब आपके बच्चे क्रिकेट खेलते ना तो इधर उधर बोलते मोहल्ले वाले कंप्लेंट बड़ा करने आते हैं, आपको भी आते थे कंप्लेंट करने? बहुत। तो अभी आते हैं कि मैच की टिकट दिला दो आईपीएल का? पास रहो सब। अच्छा। पहले कंप्लेंट ना करते थे। अच्छा। कि भाई इनको यहाँ से निकालो मस्जिद में से। अच्छा। ये बोले इबादत में खलल होते, लेकिन वो खलल के टाइम पे मैं जब 1:30 का टाइम हुआ अजान का, तो 1 बजे इनको बंद करा दूं, मस्जिद में नहीं खेलते थे, मस्जिद की गली में, तो लोग जाके हमारे चेयरमैन को कंप्लेंट करें। अच्छा। ये पठान लोगों को यहाँ से निकालो, मैंने कहा जब अल्लाह की मर्जी होगी जब ही निकलेंगे। तो जो अल्लाह की अगुवाई में खेल रहे थे मस्जिद के बाहर, उनको कौन रोक सकता है? क्या बात है। अच्छा, ऐसे हमने सुना है कि यूसुफ और इरफान, उनको पतंगबाजी का भी बड़ा शौक था। बहुत। तो वो आप रोकते थे इनको? हाँ, वो रोकते थे, भाई तुम्हारा हाथ कट जाएगा दोरे से। अच्छा। लग जाएगा छपरे पर से, गिर जाओगे, फिर तुम क्रिकेट कैसा खेलोगे? क्या बात है। लेकिन उनका विजन था, मुझे लगा शायद आप इसलिए रोकते होंगे कि पतंग उड़ाते उड़ाते कहीं सामने वाली छत पे किसी और से ना पेच लड़ जाए इनके। वो तो बहुत लेटर आते थे मेरे पे। अच्छा। बहुत से लड़कियों के लेटर आए। वो तो जब मशहूर हो गए ये लोग उसके बाद आते थे। उसके बाद पहले भी आते थे। नहीं, पहले नहीं आते थे। वो हमारे लिए तो नहीं आते थे। मैं मुझसे, मैं आपके आने से पहले कुछ सवाल पूछ रहा था, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि दोनों में से ज्यादा शर्मीला कौन है? यूसुफ ज्यादा शर्मीला है। तो इरफान शरारती है? बहुत। ज्यादा खर्चा कौन करता है दोनों में से? यूसुफ।
उसका फायदा कौन उठाता है? सभी सभी। अच्छा बड़े शॉर्ट कड़क कड़क करके जवाब आ रहे हैं। मोबाइल पे ज्यादा कौन रहता है? मोबाइल पे ज्यादा इरफान। शादी के बाद भी? शादी के बाद और बढ़ गए ज्यादा। मैं अकेला जब ही देख सुबह देखो तो शाम को देखो तो भाई मैंने क्या लगा इसको। बीवी से ज्यादा कौन डरता है? जवाब सुनो, जवाब सुनो। हाँ जवाब। कोई डरता नहीं है, खुद पे आई तो कोई नहीं। कहीं यही तो नहीं है कि मैडम के डर की वजह से मस्जिद में ज्यादा जाना शुरू हो गया था कि अल्लाह तू ही बचा सकता है? मैडम की वजह से नहीं, वो तो किस्मत थी अल्लाह के घर की, मान टाइम की। वो 15 साल के थे तब से था। 15 साल की जो झाड़ू लगी है तो 50-60 साल तक। अच्छा तो घर में क्यों नहीं जाते थे? इसीलिए। अच्छा जिस तरह से आप बात घुमाते हो ना। महमूद सर, यूसुफ बहुत ही ज्यादा शाही है, शर्माते हैं। जब रिश्ता देखने गए थे, खुद गए थे आप? यूसुफ आप गए थे देखने साथ में? नहीं। अच्छा लड़की वाले आ गए थे। मुझे पता भी नहीं था कि लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। इसको पता ही नहीं, वो रूम के अंदर बता दिए, दिखा दिए भाई देखो। मैंने ये कहा था कि भाई तुमको जो पसंद है करो, मुझे कोई देखना वेखना नहीं है, तुम जहाँ करो। मना ही करते थे, हमारी मर्जी से करो। अरे भाई हमारी मर्जी से करो, हमें थोड़ी करने के थे, शादी तुम्हें करने की है, तुम देख लो, देखना भी जरूरी है। मैं मुझसे एक बात पूछनी थी आपसे। जैसे अब तो खैर जमाना इतना बदल गया है, लव मैरिज होती हैं, जिसको माँ बाप को जो लगता है बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तब ऐसे देखते थे लड़का लड़की को, रिवाज था? मेरी शादी हुई तो मैंने लड़की को नहीं देखी थी, इसकी माँ को। अच्छा ए अब्बा गलत। क्या गलत? तो वो लोग पर्दे वाले थे। अच्छा पर्दा होता ना पठान जी, उस पठान वो होते थे, और उसके लड़की के हमारे देखा नहीं कहा भाई इसके पास पैसा है, दौलत है, खिदमत करता है मस्जिद की, और नौकरी करता है, और नमाज पढ़ता है, दे दो। अच्छा दे दी। हमको याद ये इतना याद है कि हमारी एक फूफी, छोटी फूफी थी, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा वो किसी को पसंद करती थी और पापा ने शादी करवाई थी, ये याद। मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, तुम ने देखी थी। ये देखो बाप बाप ही होता है, बाप बाप होता है सर, बाप होता है। यार कमाल है। मेरे घर में अगर मैं सुबह उठ के मेरे वालिद को नहीं देखूं, उनसे अगर मैं आधा घंटा बात नहीं करूं, मेरा दिन नहीं निकलता। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं मेरे वालिद को एक जगह बिठा दूं और मेरे भाई को एक जगह बिठा दूं, मेरा आधा घंटा तो निकल जाना है। इनसे मिलके तो हमारा दिल कर रहा है कि रोज इनसे एक दो घंटे मिला करें, अच्छी अच्छी बातें करें। बहुत प्यारी बातें करते हैं आप महमूद साहब। अंकल यहाँ बोल आई है। आप कौन है बेटे? आपको पहले कभी देखा नहीं। अंकल मेरा नाम लल्ली है और मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। बेटे मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं आपको पसंद है कि नहीं पसंद। नहीं अंकल मैं इधर ही रहती हूँ ना, अभी आना जाना तो लगा रहेगा। मुझे बैंगन की सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे को सेब से चॉकलेट, केला, संतरा, आम्ब, आम पापड़, इमली का घोड़ा, सॉफ्टी, ऑरेंज वाली कुल्फी, ये सब चीजें मेरे को बहुत पसंद है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये मुझे देना जब मैं आऊं, बैंगन की सब्जी मत देना। कितु अंकल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कितु अंकल आपके बॉडीगार्ड ना अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये अंकल उनके दांत कैसे देने हैं? बेटे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, इधर देखो मेहमान आए हैं, सब जी आए हैं, उनके पापा आए, इरफान जी आए हैं। मैंने आपकी फिल्म देखी थी लंच बॉक्स, मतलब बहुत मजा, इतना टेस्टी था ना लंच बॉक्स, मजा ही आ गया। आज भी इधर फंसा हुआ है देखो। दिख रहा है वो इरफान खान दूसरे हैं, एक्टर है ये, इरफान पठान क्रिकेटर है ये। ओह आए, तभी मैं सोचू फिल्म में तो आंखें बड़ी बड़ी लग रही थी, इधर तो छोटी है। मैंने पहचान लिया। अंकल आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना?
अच्छा ये बता, तूने मुझे अंकल बोला? हाँ जी। अंकल जी बोला? हाँ जी। इरफान जी क्यों बोला तूने? क्योंकि वो हैंडसम है ना। लेकिन मैंने एक बात पूछनी है, आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? मेरा भाई भी बहुत अच्छा खेलता है, जब तक मेरा भाई गली में ना आए ना अंकल, क्रिकेट शुरू नहीं होता। क्यों? बैट उसके पास है? नहीं नहीं, सुसु करके वो मिट्टी गिल्ली करता है ना, उसमें तो स्टंप काटते हैं। अरे मेरा बस चले ना पाजी, मैं मैच उठा के ना चिड़ी उठ कहाँ उठ, नेशनल गेम बना दूं। आपने कभी खेला चिड़िया उड़? नहीं। कभी नहीं खेला? नहीं, नहीं। चलो यहाँ पे उंगली रखो। रखो। चिड़िया उड़, उड़ गई। गधा उड़, तोता उड़, केतली उड़, चिड़िया उड़, कौवा उड़, घोड़ा उड़, तोता उड़। यार ये तो सच्ची इंटेलिजेंट है, जोरदार तालियां। लेकिन एक बात बोलूं अंकल, मैं मेरा बस चले ना तो मैं कपिल अंकल को अंपायर बना दूं। अच्छा? क्योंकि इनको उंगली करने की बड़ी आदत है। मैं कब करता हूँ उंगली? अरे उंगली की तभी तो ट्वीट हुआ ना। ऐसे अंकल जी, पिछले हफ्ते ईद चली गई ना। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी कोई क्यूट बच्चा देखो 500 दे तो दे ही देना चाहिए। दे दो, दे दो, दे दो। कल ईद थी बेटे, ऐसे दे दो, मेहमानों से पैसे मांगते? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे ही मांग रही है ये। ऐसी मांगने वाली अब्बा भी रमजान में मांगने वाले बहुत आते हैं। अंकल वैसे अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे को सब कहते हैं कि मोटी है, कोई गेम नहीं खेल सकती। मेरे को कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं कैसे फ्लेक्सिबल हूँ? पिज्जा खाती? हाँ जी अंकल, खाती हूँ। हाँ ये भी मोटी है। लेकिन मैं फ्लेक्सिबल कैसे हूँ, मेरे से ना ये सब कुछ नहीं होता, मैं ऐसे स्प्लिट भी नहीं कर पाती। अंकल मैं ऐसे कर लूँ ना तो मेरा एक के हाथ भी नहीं लगते। वही दबा दे उसके। मैं कैसे करूं अंकल, इतना फ्लेक्सिबल ठीक होता है? बहुत बहुत। आपको पता है मैं जो स्प्लिट कर लेती हूँ ना, बड़े फायदे होते हैं। जब हम ट्रेन में जाते ना अंकल, टिकट बुक नहीं कराते, मैं जाके पहले सीट पे ऐसे बैठ जाती हूँ, हमारी पूरी सीट। अच्छा मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, गलत सुना है। ये अच्छा गाता है ना कपिल? बहुत अच्छा गाता है, इधर बैठे हुए। वो तो बहुत अच्छा गाता है, उनकी फिल्म भी आ रही है बता। अच्छा? फिरंगी है ना? तो कपिल अंकल अगली ईद पे आपकी फिल्म आ जाएगी? पहले आ जाएगी। पहले आ जाएगी, चलो अभी फिरंगी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। अंकल जी इधर आना जरा। ओ तड़ी दी। कल आप तो बहुत ज्यादा लंबे, कितनी हाइट है आपकी? 6'2" 6'2"? आपको मेरी तरफ से ये बैट दिया जाता है। सर थैंक यू सो मच, मेरा स्कूल का टाइम हो गया है, और बच्चे कभी मजाक में चीजें दे दे तो रख लेनी नहीं चाहिए। तुम सीधे स्कूल जाओ, चलो। अगर आप आशीर्वाद दो कि मैं इस बार 4th class में निकल जाऊँ। हाँ, पक्का अंकल? पक्का। आपकी इसी बात पे मैं दाद देती हूँ। अरे बैट लेके जा। थैंक यू अंकल, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन आपसे भी अच्छे वो हो। वारे ऊपर वाले तेरी खुदाई, और जिनके पास नहीं अपना मकान उनके पास आगे सीधे पठान। सर आप लोगों को दोनों हाथों से सलूट है जी, और सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा? जी बिल्कुल आपका। मैंने क्या आपका, मैं सर... मैंने क्रिकेट कहाँ खेली है, इनका फैन होना चाहिए। नहीं पर जिनकी वजह से खेल रहे हैं, वजह तो आप ही है ना कि नहीं। तो सर जो भी है ये आज वो आपकी बदौलत है। मेरे नहीं, ऊपर वाले की। जरिया तो सर आप ही है ना। और ये सही बात है, इन्होंने इनको क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर किया, फिर जाकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। हमारे डैडी ने कभी हमें इंस्पायर ही नहीं किया, ये कहते रहे बेटे बाहर निकलो,
जाओ क्रिकेट खेलो, मेरे डैडी कहते रहे बाहर निकलो, जाओ देख करो लाइट आई कि नहीं आई। आप मुझे थोड़ा मुंह बोला बेटा बना लीजिए। वो तुझे अपना बेटा क्यों बनाया भाई? देखो इनके जो दो सगे बेटे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो मुंह बोला बेटा 12वां प्लेयर तो बन ही सकता है कि नहीं? 12 प्लेयर कैसे बनेगा तू? 12th प्लेयर बनने के लिए भी क्रिकेट आने की चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे नॉलेज है पूरी क्रिकेट की। भाई ये बात भूल गया है, सोसाइटी में मैं अकेला ही बच्चा होता था जिसके पास बैट होता था। भूल गए आप? जब मैं बैट लेकर बाहर आता था आप मुझे कहते यार मुझे एक बैटिंग करने दे। हाँ मुझे पता है, पहली बॉल पे तू आउट हो जाता था, फिर किचन में लेटता था तू। यार आप मुझे और बैटिंग करनी है। हर बात आप मिट्टी के साथ क्यों रिलेट करते हैं? अच्छी बात है, मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मिट्टी के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब आदमी हवा में आ जाता ना तो काम सारे खराब। तुझे 12th प्लेयर बनना ना? हाँ जी। चल जा भाग के जाके चाय ले गया। देखो 12वां प्लेयर पाजी चाय नहीं पानी पिलाता, ये तो हमको भी पता है। देख चंदू, सिर्फ पानी वानी पिलाने से कुछ नहीं होता, क्रिकेट आना चाहिए। क्रिकेट आता है मुझे। क्या आता है तुम्हें? देखो जैसे ये नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेले हैं, हाँ। तो मैं भी तो एक स्ट्रीट लेवल का प्लेयर हूँ। स्ट्रीट लेवल नहीं, स्ट्रेट लेवल। नहीं लेकिन मैं स्ट्रीट लेवल तक खेला हूँ। आगे क्यों नहीं गए फिर? आगे हमारी गली बनती ना। खैर कपिल शर्मा मैं आपको बता दूं, एक दिन वो जरूर आएगा कि इस सोफे पर बैठकर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ और उस दिन शूटिंग नहीं हो रही होगी। अकेला ही भूतों को इंटरव्यू देना तू। देखो पाजी मैं क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन इस बंदे ने मेरे को कभी नहीं बनने दिया। क्यों? हमेशा मेरे को कभी चाय वाला बना दिया है, कभी मेरे को अपना सर्वेंट बना दिया, कभी बनने नहीं दिया। और मेरे मन के अंदर इतने सवाल थे क्रिकेट को लेकर, आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप बिजी रहते हैं। क्या सवाल है पूछ ले आज? आज मेरे सवाल ये है कि जैसे ये जो 12वां प्लेयर होता है इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है कि जब भी वो पानी पिलाने जाता है लोग ऐड चलाते थे टीवी पर, उसके सारे सीन कट जाते हैं। भाई सीन वो एक्टर थोड़ी ना होता है, प्लेयर है वो, अगला आया बस ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जब प्लेयर 11 खेलने होते हैं तो 15 को लेकर क्यों जाते हैं सर? 12th मैन होता है ना उसमें, तो बाकी 13 मैन 14 मैन 15 मैन। वो भी मतलब लेकिन नाम से 12th मैन का होता है, लेकिन बाकी सारे काम तो वही करते हैं जो 12th मैन का काम होता है। 12th 1 12th 2 12th 3। एग्जैक्टली। ठीक है फिर मैं आपको एक बंदा मिलाता हूँ पाजी जो ऑलराउंडर है, जो सभी का काम करता है, 11 प्लेयरों की तरह खेलेगा वो। क्या बात कर रहा है? हेलो ऑलराउंडर। हेलो। हर प्लेयर का ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उनको उनका नकल करते हैं। वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलते हैं? वीरेंद्र सहवाग पकड़ो। भज्जी। हरभजन सिंह। जब उनको विकेट नहीं मिलती तो उनके चेहरे की लाइन बिगड़ जाती है। हरभजन सिंह जी। इरफान भाई। भज्जी की इनकी जब धुलाई होती है चेहरा देखने लायक रहता है। विकेट भी लेता हूँ। विकेट मिलने के बाद तो डांस करते हैं। विकेट मिलने के बाद विराट कोहली। विराट कोहली हाँ 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 कैप्टन, उनका एग्रेशन इतना डेंजरस है। विराट कोहली भाई उनको बहुत रहती है। फील्डिंग में भी एग्रेशन बहुत रहता है। क्रिस गेल। अरे बाप रे उनकी शक्ल ऐसी है जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया हो वो बता नहीं रहे। सचिन तेंदुलकर जी। उनके फेस से पता चलता है कि वो आउट होंगे कि जल्दी की सेंचुरी मारेंगे अगर ऐसी शक्ल रही तो समझ जाओ जल्दी आएंगे। 30-40 से ज्यादा जाने वाले नहीं अगर ऐसा एक्सप्रेशन रहा। तो समझ जाओ सेंचुरी पक्की है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आता हूँ। ओके सर, आशीर्वाद दीजिए। ओके सर, प्रैक्टिस कराते फिर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। इरफान भाई, यूसुफ भाई, आपके फैंस यहाँ पे आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी सर। आज इरफान जी ने और यूसुफ जी ने पूरा जो नाम रोशन किया है देश का, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं महमूद जी की मेहनत, उनकी लगन, उनकी तालीम, सब उनके पीछे उनके पहले गुरु महमूद जी को मानता हूँ। इनके पीछे फोटो लेने के लिए, ऑटोग्राफ के लिए सारी दुनिया है। आज मैं महमूद भाई का ऑटोग्राफ लेना चाहूँगा। तो स्वीट, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आइए आइए प्लीज। बिल्कुल क्या बात है, पूरी प्रैक्टिस है अभी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। दोनों बड़ा जबरदस्त तरीके से देख रहे थे कि क्या लिखा आपने। ये देखिए, जी और कोई हमारे दोस्त? यस मैम। हेलो एवरीवन। हेलो सिद्धू जी। हेलो। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप दोनों ने लाइक बहुत साइकिल राइड की है, आपने खुद चलाया है साइकिल इनके लिए, सो आई वुड लाइक टू लाइक यू राइड फॉर मी टुडे, आई विल सिट बिहाइंड यू। अरे अच्छा, साइकिल रेडी भी है? अच्छा, कपिल इज वेरी काइंड। उन शादी उनकी हुई है, बिठाना आपको है, मेरा क्या जा रहा है। थैंक यू। साइकिल पे जगह कहाँ है, कहाँ बैठेंगी? चले Thank you so much. पर आज बाप लोग आए हुए हैं, ये देखिए, बॉलिंग के बाप, बैटिंग के बाप, ये इन दोनों के बाप। बच्चा तो फिर आ गया? अरे सर, बाप आए तो बच्चा तो आएगा ही ना। इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप यार। लेकिन सर, अंकल जी, पापा जी, मानना पड़ेगा, आपने डिसाइड किया कि बच्चों को क्रिकेटर बनाना है तो बना दिया। मतलब एक बात जो आपने पठान ली, वो पठान ली। वैसे सच बताएं सर आप लोगों को, जैसे आप लोग स्पोर्ट्समैन है ना, हम भी स्पोर्ट्समैन है। तू कहां से स्पोर्ट्समैन बन गया बे? अरे सर, स्पोर्ट्स हमारे रगों में पानी की तरह फैला हुआ है। पानी नहीं, खून होता है सर। शरीर में 8% खून होता है, 60% पानी होता है। ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, वही फैलेगा ना यार, उसी में मजा है। और आपको सच बताएं, स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा हमारा रुचि ना ही अपना टेनिस में है। क्यों? क्योंकि रुचि हमारी टेनिस खेलती थी ना। लेकिन एक बार यार सर प्रॉब्लम हो गया था, हमने अपनी रुचि को ना किसी और लड़के के साथ डबल्स खेलते हुए देख लिया। उधर ही दिल टूट गया यार, हमने त्याग दिया टेनिस उस दिन से। फिर सोचे यार क्या स्पोर्ट्स खेले, फिर हम गए स्विमिंग में। अच्छा, वहां पे क्या आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते ना। इतना बड़ा बात कर दिया देखिए हमने बीच में। स्विमिंग करने पहुंचे सर, ऐसा अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जैसे ही हम पानी में कूदे सर, हमको वो मुहावरा याद आ गया। गई भैंस पानी में। मुहावरा याद आया, हमारा खुद का हंसी निकल गया यार। पर हमारा हंसी निकला, मुंह खुला, हम पानी निकल गए, ऐसे डूबने वाले थे। हमने स्विमिंग भी छोड़ दिया यार, छोड़ो। हम बोले ये भी कैंसल, बॉक्सिंग करते हैं, उसमें कपड़ा अपड़ा अच्छा देते हैं सर, कपड़ा पहनाते हैं, ग्लव्स ब्लव्स हैमलेट ऐसा सब रहता है, मजा आता है। बॉक्सिंग खेला फिर? नहीं सर, वो सामने वाले ने हमारे साथ खेला।
मतलब सर अब सच्चाई है सर, धोया उसने काफी जोर जोर से धोया, फिर हमको आया जोर का गुस्सा। फिर तूने मारा उसको? नहीं सर, मौका ही नहीं दिया। धोता गया सर, धोता गया, इतना मारा मार मार के हमको जमीन पे गिरा दिया। हम फिर खड़े हुए, यार आई गिव अप, हम हार गए भाई, हमको माफ करो, हमने गुस्सा थूक दिया। उसके बाद भी उसने हमको मारा। फिर क्यों मारा? क्योंकि हमने गुस्सा उसके मुंह पे थूका ना। तूने एक चीज आज की नहीं? क्या नहीं किया सर? हमारे मेहमानों को जॉक्स नहीं सुनाए? लीजिए सर, ओके चलिए जॉक सुनाते हैं सर। तो पेश है, हमको यह बताइए कि 2017 के कैलेंडर को हाथ लगाते हैं तो शौक लगता है, बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज इट इज करेंट कैलेंडर। करेंट कैलेंडर। ये लीजिए, माहौल बना दिया सर, मजा आ गया। के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया सर। और इरफान, यूसुफ और महमूद सर के लिए जोरदार तालियां। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो में आए, बहुत अच्छा लगा। आइए सर। महमूद सर, इरफान भाई, यूसुफ भाई के साथ तो पहले मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आज आपसे मिलकर और भी ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम लोग एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं हमेशा ही अपने दर्शकों में या कोई भी हमारे जो मेहमान आते हैं, लेकिन आज आपसे बात करके इतना मजा आया। ये खूबसूरत सा मोबाइल है जो आपके लिए है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद इरफान भाई, एक सेल्फी हो जाए आपके साथ। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इरफान भाई। थैंक यू। तो आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।